अपने महबूब नू ना लेके बुला सकता। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे नबी के सहाबा अल्लाह के महबूब के सामने आओ, या रसूल अल्लाह आखो अल्लाह के महबूब नू बुलाना चाहो सामने आओ, ते उस वेले या नबी अल्लाह आखो लेकिन या मुहम्मद आखन दी जान को ला कद हरमहु बिलकौल। और ये मेरी गल नहीं, मेरी गल नहीं, बरेलवी फिरका के हकीम और उम्मत मुफ्ती अहमद साहब गुजराती साहब की चाल अर्थी लिखिया कि जा मोहम्मद आखना हराम है, जा मोहम्मद आखना किसान मौजूद है इस तकना हुए वादी तकार इसा जा मोहम्मद आखना हराम है। और तजल्ले जलील आला हजरत की किताब में लिखिया कि जा मोहम्मद नाल निदा करना हराम है। मेरा दोस्त मैं पूछ सकता तेरे मौलवी के आखिर जा मोहम्मद आखना हराम, कुरान अक्सर ला तजहरू लहू दिल कोले का जहर साजी तुम लेवागिन। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह एक दूसरे को बुला रहे हो उच्चा वादा करके ये ना लेके किस तरह मेरे महबूब नू नहीं बुला सकते, मेरे महबूब के अदब से फिरा दें कि किस दिया मस्जिद के निकाम दे जा अल्लाह ते जा किताबत लिखिया या मोहम्मद अगना हराम ते नसीता ते के लिखिया या मोहम्मद ये अदब कौन है इतनी अदब याद नहीं कैसा या मोहम्मद कहना है इन अंग्रेजियां सरदा तवज्जो कर यहां के इन लाख्या क्या रखता है या मोहम्मद कहना है ये यहूदी बन के रहना आप
फलानी चीज जान दे, फलानी चीज जान दे, ए फलानी फलानी का झगड़ा नहीं, झगड़ा है बे हर वेले जानना, हर शे जानना, हर वक्त जानना, हर शे जानना, और सिफत ए गैब दानी इल्म उल गैब ये अल्लाह रब की इज्जत का खासा, अल्लाह के सिवा आलम उल गैब कोई नहीं, आलम उल गैब होना ये सिर्फ रब का खासा, अल्लाह ने अपने महबूब नु सब तो ज्यादा गैब दिया खबरा से मुतले कीता ए सदा कीता ज्यादा पाक लोग पेश कर दें फलाना वाकया जुजियात की गल नहीं वाकियात की गल नहीं वाकियात को असी भी मान लिया वाकियात को ये भी मान दे वाकियात के मसला नहीं जुजियात के मसला नहीं हर वेले हर शय जानना आलम उल गैब होना एक कितनी शान है अल्लाह के बोलो कितनी शान है अल्लाह की और अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को मुताल्ला का जो रिसाला ऐसे उलूम जेडी आप की रिसालत के नाल सजदे भी हन ऐसे उलूम जेडी शान ए रिसालत वास्ते हन जेडी पाक की रिसालत वास्ते हन जान जान ए रिसालत में क्यों हन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारे उलूम जेडे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुनासिब शान हन मुनासिब मकाम हन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मुतरे फरमाया ये फरमाया फरमाया मुझे बोलो क्या फरमाया ये फरमाया पूरी सूरत में आज चैलेंज कर दिया मेरी इस तकरीर के बाद मैं एक नफर दिखा रहा हूं कुरान मुकद्दस से जो ला आलम अल गैब ये दिखा रहा हूं ला आलम कहते हो लो ला आलम अल गैब अगर इस कुरान मुकद्दस के अंदर ऐसा लफ्ज मौजूद हो गए इन नबी का आलम अल गैब इन मोहम्मद आलम अल गैब ये अल गैब का लफ्ज हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम